हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू ऑल आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बीएचयू पाठशाला को अब तक आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने टाइटल में लिखा है एमए इन पॉलिटिकल साइंस। ये बीएचयू पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस का आज डिस्कशन करेंगे हम। मोस्ट अवेटेड वीडियो होगा, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आई हैं लोगों के पास कि सर कब से क्लासेज स्टार्ट हो रही हैं। तो फाइनली आप तक ये क्लासेस पहुंचने जा रही हैं और जो हमारे बैच हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो और इसके बारे में मैं आप कुछ चीज़ें बाद में बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और उसमें हम और भी चीज़ों के और भी पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लगभग 10 से 11 जो पॉइंट है ये सिलेबस का है। ये आपको सिलेबस और कहीं नहीं मिलेगा, इसका दावा मैं इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमारी सीनियर फैकल्टी ने इसके एनालिसिस इसमें कम से कम 1 वीक देकर एनालिसिस करके बनाया हुआ है। कहीं आप सर्च भी अगर गूगल पे करेंगे और इसका प्रैक्टिकल आप खुद है वीडियो के एंड के बाद आप सर्च करके देखिएगा, तो आपको एक जगह ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। तो ये सिलेबस जो होगा, मैं इसके बारे में एक चीज़ और बता दूँ कि ये सिलेबस जो भी स्टूडेंट्स यहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं उन्हीं के सिलेबस से ही क्वेश्चंस पीजी में आते हैं। तो ये वही सिलेबस है, बट आपको एक शॉर्ट फॉर्म में, मतलब जिससे आप समझ भी सकें और जिससे आप तैयारी भी अच्छे से कर सकें, उस पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पहला आप देख सकते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस आप पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, फिर आप पढ़ेंगे डेफिनेशन, फिर नेचर पढ़ेंगे इसकी प्रकृति क्या है, फिर ये पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल साइंस को विज्ञान भी कहा जाता है, कला भी कहा जाता है, दोनों के फैक्ट क्या हैं, क्यों ऐसा कहा जाता है। आइडियाज़ विचार पढ़ेंगे, जैसे लिबर्टी पढ़ेंगे, जस्टिस पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, सॉवरनिटी पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में कवर होती हैं। मैं बहुत काफ़ी शॉर्टकट में बताऊंगा, बाकी ये इन पे एक एक बुक होंगी, मे भी मोर देन वन बुक भी हैं होती हैं एक एक टॉपिक पे, तो वो बताना पॉसिबल भी नहीं है। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं, पॉलिटिकल थॉट्स इंडियन एंड वेस्टर्न। जिन्होंने भी राजनीतिक विचार दिया है, चाहे वो मनु से लेकर, इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, मनु से लेकर महात्मा गांधी तक, ये नाम आते हैं इसमें। कौटिल्य भी आ जाएंगे इसमें, विवेकानंद जी भी आ जाएंगे। वेस्टर्न में बात करते हैं तो अरस्तु से लेकर जॉन रॉल्स तक हम बात करेंगे, नॉजिक की बात करेंगे, और इसमें ढेर सारे मिल्स हों, बेंथम हो, जॉन लॉक हो, चाहे लास्की हो, इसमें वेस्टर्न में बहुत ब्रॉड चैप्टर बन जाता है ये। तो जब हम वन बाई वन आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। थर्ड टॉपिक जो है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से है। इंडियन नेशनल मूवमेंट का मतलब ये एक हिस्ट्री है, जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं अब तक उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और वो मूवमेंट्स चाहे गांधी जी का हो, चाहे इसी में मूवमेंट्स में भी चार्टर एक्ट भी पढ़ना होगा, वो चाहे आप 1773 से लेकर 1935 तक का गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, ये यहाँ तक ये पढ़ना होगा। फिर उसके बाद 12 छोड़ो आंदोलन, फिर उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये जितने भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, जितने भी, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। तो इसलिए इसको आप मॉडर्न हिस्ट्री समझ लीजिए। जो फोर्थ है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का मतलब है कि हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, उनमें कौन कौन से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और कौन सी चीज़ें कहाँ से प्रेरित हैं, इंस्पायर्ड हैं, कौन से रूल्स कहाँ से लिए गए हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल, और कैसे कैसे आके आखिरी तक हमारा जो संविधान लिखा गया है वो वहाँ तक हम पहुँचे हैं, इसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद बात करेंगे कि ये कैसा है, कठोर है, लचीला है, जैसे हम क्वेश्चन आते रहते हैं। प्रीएम्बल क्या है, प्रीएम्बल टोटल वर्ड्स कितने हैं, इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, और ये इनमें कहाँ कहाँ पे थोड़ी सी कमियाँ हैं, या आप कह लीजिए कि प्रेसिडेंट को कितनी पावर है, पीएम को कितनी पावर है, गवर्नर को कितनी पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेते ही ये सारी, कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लेते ही आपके दिमाग में 395 आर्टिकल्स आ जाएंगे।
तो हमें आर्टिकल्स पढ़ना होगा, अनुसूचियाँ पढ़ना होगा, पार्ट्स पढ़ने होंगे कितने पार्ट्स में हैं, फिर और भी जो संशोधन हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुए हैं वो भी हम इसी टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ना है हमको। कंपैरेटिव का मतलब जैसे कि जनरली हम लोग अपने इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब आप एमए का एंट्रेंस देंगे तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप जो बीएचयू की डिमांड है वो है 4 अलग कंट्री से, जिसमें यूके आता है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फिर आता है यूएसए, अमेरिका का हम कॉन्स्टिट्यूशन कंपैरेटिव पढ़ेंगे। कंपैरेटिव का मतलब है कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन से, उनकी पॉलिसी से अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी पॉलिसीज को कंपेयर करना, तुलनात्मक जिसको आप कह सकते हैं। चाइना की करेंगे और रशिया की। तो ये चार जो हैं ये बीएचयू सिलेबस के हैं। बाकी हो सकता है आप अगर स्टेट यूनिवर्सिटी से होंगे तो उसमें हो सकता है आपको स्विट्जरलैंड, फ्रांस का ये सारी पढ़ना पड़े, लेकिन आपको यहाँ पे इन चारों को पढ़ना पड़ेगा कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर बात कर लेते हैं इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का मतलब इसमें आप इलेक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें जो पार्टीज़ हैं, कोएलिशंस हैं, पहली कौन सी पार्टी है और सबसे पुरानी पार्टी कौन सी है, सबसे नई पार्टी कौन सी है, और एक कोई भी स्थानीय पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, और वर्तमान में पॉलिटिक्स का महत्व कितना है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें वो काफ़ी डिटेल में हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं पॉलिटिकल सोशोलॉजी का मतलब क्या होता है। कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो पॉलिटी सब्जेक्ट है वो सोशोलॉजी, हिस्ट्री और आप साइकोलॉजी भी ले लें तो मतलब ये थोड़ा सा एक मिक्सचर हो जाता है। तो इसमें हमको अप्रोचेस पढ़ना पड़ेगा, जैसे मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है, सोशलिज्म क्या है, और इंडिविजुअलिज्म क्या है, फेमिनिज्म क्या है, ये जो सारे इज्म जो वाद हैं, समाजवाद, नारीवाद, बहुलवाद, उपयोगितावाद, ये सारी चीज़ें हम इसी में पढ़ेंगे। और जो नेक्स्ट टॉपिक है आप देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, और इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कि इसमें पढ़ना पड़ता है कैग को पढ़ना पड़ेगा हमें, और जो कमेटीज़ होती हैं फाइनेंस कमीशन को पढ़ना पड़ेगा, और ढेर सारी चीज़ें इससे रिलेटेड होंगी। और इसमें ढेर सारे थोड़े से कंसेप्ट हैं, और ये वेस्टर्न का सब्जेक्ट रहा है तो वेस्टर्न से ये इंडियन में आया है, इंडिया कल्चर में आया है, तो इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशन इशू एंड कंसेप्ट्स। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन में इशूज़ एंड कंसेप्ट्स की बात करेंगे। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब है कि जैसे पावर ऑफ, जो पावर होती है वो मतलब एक तरीके से पावर सेपरेशन पढ़ेंगे, और इसी में हम पढ़ेंगे कि फॉरेन पॉलिसीज़ क्या है, यूके की फॉरेन पॉलिसी क्या है, यूएसए की क्या है, चाइना की क्या है, रशिया की क्या है, तो उनकी फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे। इसी में आ जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, फंक्शन क्या है, और एक किस तरीके से वर्क करती है, इसके मेंबर कैसे जुड़ते हैं, कैसे निकाल दिए जाते हैं, और ढेर सारे जो भी आप यूनेस्को, ढेर सारी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है वो इसी में आती है, और इसके इशूज़ और कंसेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो लास्ट टॉपिक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपने हो सकता है अभी तक नहीं पढ़ा होगा इस टॉपिक को। क्यों नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ नेपाल, मलेशिया, पाकिस्तान, कनाडा, इन तीनों की बात बीएचयू अपने सिलेबस में करता है और एग्ज़ाम में पूछता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर जैसे कि अगर आप किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो, आप चाहे जहाँ भी पढ़ रहे हो, तो हो सकता है आप ये चारों के बारे में ना पढ़े हो। सकता है कनाडा के बारे में पढ़े हो, कनाडा पाकिस्तान, या तो नेपाल पाकिस्तान, या तो मलेशिया कनाडा, ऐसा। तो आपको इनसे कंपैरेटिव में क्या पढ़ना होगा, जैसे नेपाल, मलेशिया, पाकिस्तान, कनाडा की हिस्ट्री पढ़नी होगी, इनके कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स पढ़ने होंगे, और कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, कैसे इम्प्लीमेंट है, और जो सुप्रीम पावर है वो किस में है, दैट जैसे प्रधानमंत्री में है, राष्ट्रपति में है, या वहाँ पे राजा शासन करता है, और वहाँ पे वोटिंग क्राइटेरिया क्या है, वोट एज क्या है, और ढेर सारी ऐसी चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो आई होप ये ओवरऑल बातें हो गई हमारी पॉलिटिकल साइंस की। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आपने कहीं से भी 3 साल तक पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट रहा है, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई
BHU MA एंट्रेंस, आप एग्ज़ाम दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा इससे अधिक जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पे, जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर आप कॉल या तो मिस कॉल भी देकर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, आप उस पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में, जब आप कोर्स में एडमिशन लेकर मिलेंगे तब हम वन बाय वन टॉपिक पे, हर टॉपिक का एक अपने अलग टीचर होंगे और वो आपको टॉपिक अच्छे से पढ़ाने के साथ साथ PDF भी प्रोवाइड करेंगे। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग BHU पाठशाला।